आज की रेसिपी खास मेरे वेजिटेरियन व्यूवर्स के लिए मुंबई स्टाइल सोया कीमा एंड पाव। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले बना लेना है कीमा मसाला। उसके लिए मैंने ली है 2 बी लीफ या तेज पत्ता, 2 स्टार एनीज, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा, 1.5 चम्मच साबुत धनिया के बीज, 4 लौंग, 8 काली मिर्चें और 1.5 टुकड़ा ये दालचीनी का लिया है या सिनेमम स्टिक का लिया है, और 4 कश्मीरी सूखी लाल मिर्चें इसमें लेके हमें 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे फ्राई करके निकाल लेना है। मसालों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसी पैन में मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। लोहे के पैन में बनाएंगे तो ही एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा। 2 क्यूब्स बटर ले ली है और 1/2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है शाहजीरा का। अब यहाँ पे ना 1.5 चम्मच के करीब मैंने ऐड किए स्लिट की हुई अदरक और 2 चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक या लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्चें कम तीखी वाली। इन्हें सॉटे कर लेना है अच्छे से और 2 चम्मच भर के धनिया डाल देना है, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। अब यहाँ पे ना ये 1 ओनियन लिया है मैंने, स्लाइस में कट करके डालना है, छोटा ओनियन लिया है। ये सोया बड़ी है, इसे मैंने 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोया था, फिर 15 मिनट उबाल के 5 से 7 बार ठंडे पानी से धो के निचोड़ के इसे चॉपर में चॉप किया है। अब सभी मसालों को हमें ग्राइंड कर लेना है अच्छे से, एकदम बारीक ग्राइंड करना है। और सोया बड़ी को ना मिक्सी में मत पीसना, इसे चॉपर में ही चॉप करना, ओके। बस मसाला भी हमारा रेडी है। अब यहाँ पे ना ये तली हुई प्याज ली है मैंने 1 कप, जो बिरयानी के लिए हम फ्राई करते हैं ना ऑनियन, ये वही है। इसमें 2 चम्मच हंग कर्ड लेना है गाढ़ा दही का, और इसका हमें बना लेना है एक अच्छा सा क्रीमी पेस्ट। ये पेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ही सब्जी का मैजिक है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। ये भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ना 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जो कम तीखी वाली होती है, 1/2 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच जो हमने कीमा मसाला बनाया था ना वो डाला है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर यहाँ पे ये 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्न लिया है और ना 1/2 कैप्सिकम लिया है बारीक चॉप करके। और यहाँ पे ना ये ऑप्शनल है दोनों ही चीज़ें, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे 1/2 कप मैंने कुक्ड टमेटो पेस्ट लिया है। ये रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, और अगर आपके पास ये रेडी नहीं है तो आप यहाँ पे 1 कप भर के फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं बारीक काट के। लेकिन अब ये जो हमने ओनियन और दही का पेस्ट बनाया था ना वो भी डाल देते हैं। मिक्स कर लेना है इसको भी, और हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करते जाना है। थोड़ा सा पानी डालना है, गरम पानी ही डालेंगे, और इसे अच्छे से फ्राई करते रहना है। अब ये जो सोया वड़ी थी ना वो डालनी है, लेकिन उसके पहले मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, एकदम बटरी फ्लेवर इससे आपको कीमा में मिलेगा। अब ये सोया चंक्स डाल देते हैं। सोया चंक्स ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखने हैं, एकदम बारीक चॉप करके आपको डालने हैं। अब जो मेन स्टेप है ना वो है इसे फ्राई करने का। बस इसे फ्राई करना ही बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये धनिया डाल दिया है मैंने और 1/2 कप गरम पानी डाला है, बस इसे गरम पानी डालते जाना है थोड़ा थोड़ा, और ढक कर हमें इसे फ्राई करते रहना है। एकदम ये देखिए अभी एकदम लाइट कलर का दिख रहा है ना, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना तो ये एकदम डार्क ब्राउन कलर में आ जाएगा। कम से कम मुझे ना इसे 10 से 15 मिनट फ्राई करने में लगा, और इसे मैंने हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया है क्योंकि मैं लोहे के पैन में बना रही हूँ तो इसका तला भी बहुत मोटा है। अब यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने डाला है अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच डाला है भुना हुआ जीरे का पाउडर। मिक्स कर लेते हैं। बस ये रेडी हो चुका है, ऑयल भी छूटने लगा है, कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है इसका। बस इसे 5 से 7 मिनट के लिए ही मैंने और फ्राई किया है, ये देखिए।
ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये मानिए पाव भाजी से भी है ना ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है बटर और ले लिया है ये पाव और पाव को इसमें अच्छे से सेक लिया है बस। और मुंबई स्टाइल सोया कीमा पाव बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।